The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन और आज हम फिर से अपने अस्पताल में हॉस्पिटल में हैं। आज हमारी फिर से ड्यूटी लगी है और हम अपने कमरे से आपके लिए लाए हैं एक और सेशन। आज हम बात करेंगे डायग्नोसिस का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि उनको कोरोना वायरस यानी कोविड 19 का इन्फेक्शन हो चुका है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपका डायग्नोसिस यानी ये पक्का कैसे पता चलेगा, 100% गारंटी से कैसे पता चल सकता है कि आपको कोरोना है या नहीं। कोरोना वायरस एक पुरानी फैमिली है बिना बीमारी की, उसका ये नई प्रजाति है, इसके नया वर्जन है, नया म्यूटेटेड वर्जन है और इसके जो लक्षण हैं वो बहुत वेरी करते हैं। ये एक एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना सिम्टम का पर्सन भी हो सकता है जो कि एक सुपर स्प्रेडर बन जाए, जो एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन करे, लोगों को इन्फेक्शन बांटते फिरे बिना ये जाने कि वो कर रहा है। यहाँ ऐसा भी होता है, उस पर अलग से एक वीडियो हमने बना रखा है। और माइल्ड सिम्टम भी होते हैं जिसमें बिल्कुल हल्के फुल्के फ्लू जैसे सिम्टम होते हैं और सिवियर इलनेस से लेके ऐसी भी बीमारी होती है जो 2 दिन में आपकी जान ले सकती है। तो सिम्टम्स आपके 2 दिन में भी शुरू हो सकते हैं, 2 हफ्ते भी लगा सकते हैं। तो 2 दिन से 2 हफ्ते तक इसका जो लेटेंट पीरियड है, इसका जो वेटिंग पीरियड मान लीजिए लेटेंट पीरियड, कि वायरस आपके अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, या तो 2 दिन में आपको सिम्टम आ जाएंगे या 2 हफ्ते भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कितने वायरस गए। थोड़े से गए तो 2 हफ्ते लगेंगे, बहुत सारे गए तो 2 दिन में आपकी ऐसी तैसी हो सकती है। और ऐसा जब होता है, जब बहुत सारे एक साथ जाते हैं, 2 दिन में सिम्टम आते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक पाया जाता है। अल्टीमेट जो बात आ जाती है कि भाई इसका 100% डायग्नोस्टिक यानी जब आप पेशेंट को लेकर अस्पताल आते हैं तो करना क्या है। डायग्नोस्टिक टूल्स जो हैं, देखिए डायग्नोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट तो सिम्टम वाइज होता है। अगर आपका सिम्टम बताता है कि आपको शक के दायरे में रखना चाहिए, आपके सिम्टम्स ऐसे बैठे हुए हैं, आपका कॉन्टैक्ट है ऐसे बीमार पेशेंट से, या आप बाहर से होकर आए हो, या ऐसे पर्सन से मिलते हो या मिल चुके हो जो बाहर से होकर आया है, तो आपको हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री पॉजिटिव हिस्ट्री बोलेंगे। सो ये पेशेंट्स, ये सारे लोग आगे पोटेंशियल कोविड सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स। इन सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स का फिर असेसमेंट होता है और सबसे पहले इनका आइसोलेशन होता है। असेसमेंट में लैब स्टडीज़ की बात आती है। जब हम लैब स्टडीज़ की बात करेंगे उसमें जो अभी फ़िलहाल सबसे बड़ा टेस्ट हमारे पास है, वो कई सारे टेस्ट है वैसे तो, नंबर 1 टेस्ट है हमारा PCR टेस्ट, पॉलीमराइज चेंज रिएक्शन रियल टाइम RT-PCR टेस्ट, जिससे टेस्ट करके एग्जैक्टली आपके बलगम में, आपके नाक या गले के बलगम में वायरस प्रेजेंट है या नहीं, और है तो कितनी मात्रा में, ये पता चल जाता है। तो पता चल जाता है आपके अंदर इन्फेक्शन है या नहीं, राइट। इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो आप जाके देख सकते हैं PCR के बारे में, RT-PCR। याद रखिए ये भी 100% गारंटीड नहीं है कि ये पॉजिटिव तो है ही है। इस सब को दूसरे टेस्ट के साथ मिला के, पेशेंट के हिस्ट्री के साथ मिला के, सिम्टम्स के हिसाब से एक डॉक्टर डिसाइड करता है कि भाई आपको कोरोना है, निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, फलाना है, ढमकाना है, क्या है एग्जैक्टली। सो PCR एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। PCR टेस्ट जो कोरोना वायरस कोविड 19 का टेस्ट होता है। आज के डेट में इंडिया में तो ये टाइम ज़्यादा लग रहा है, 1 दिन 2 दिन तक, कभी कभी 3 दिन भी लग रहे हैं PCR टेस्ट की रिपोर्ट आने में। लेकिन ऐसे भी लैब्स हैं दुनिया में, ऐसे भी जगह हैं जहां 4 घंटे या 2 घंटे में भी ये टेस्ट रिपोर्ट्स आते हैं, दुनिया की बात हो। इसके अलावा कई सारे टेस्ट्स हैं जो FDA के पास, FDA से इशू हो चुके हैं, यानी PCR के लिए, क्योंकि PCR में ये वायरस को डिटेक्ट करने वाली चीज़ है। तो वायरस को कोई उसके हाथ से डिटेक्ट करता है, कोई पैर से, कोई पूरे इससे, तो PCR के प्राइमर के जो को चेंज कर करके हजारों प्रकार के PCR टेस्ट हैं। आगे चल के आएगा कि इस 10 12 15 PCR टेस्ट में से कौन सा PCR, कौन सा प्राइमर सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में डिटेक्ट करता है, तो उसको आगे चल के फिक्स किया जाएगा। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, हर अपने जगह जगह से कर रहे हैं। याद रखिए, कोई आपके नेजल से कर रहा है, कोई ओरल स्वैब ले रहा है मुंह से, कोई नाक से, कोई दोनों जगह से, पर जो भी हो
15 सेकंड तक उसमें से निकालना होता है घुमा घुमा के, बहुत आसान नहीं है वो, इट्स नॉट सच इजी। सेकेंड टेस्ट जो है हमारे पास वो है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट जो हमने बता चुके हैं आपको उसके बारे में भी, जो आपका है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन जब वायरस आपके अंदर आता है, वायरस के खिलाफ आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, पहले IgG इम्यूनोग्लोबुलिन, IgG एंटीबॉडी, उसके बाद पहले IgM फिर IgG। सो IgM मिलता है तो उसका मतलब है कि अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है, IgG इन्फेक्शन ठीक होने के बाद 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 में मिलता है, और दोनों प्रेजेंट है तो मतलब अभी हुआ था और ठीक होने लगा है, ठीक है। और सिर्फ IgG मिलता है, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब पुराना इन्फेक्शन है, अब आपको इम्यूनिटी आ गई है। सो ये वाला एंटीबॉडी टेस्ट आपके ब्लड से होता है और ये जल्दी रिजल्ट दे देता है। इसका एक स्लाइड टेस्ट, इसका एक ड्रॉप डाल के आपके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी है या नहीं ये भी देखा जा सकता है। तो ये एक बेटर टेस्ट है, फास्ट टेस्ट है, कार्ड टेस्ट है, जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा लोगों का कर पाएंगे, सस्ता होगा। इसके बाद टेस्ट आता है वायरल कल्चर। जी हाँ, हम वायरस को ग्रो कर सकते हैं। जब भी एक सस्पेक्टेड केस होता है तो वायरस को आइसोलेट किया जा सकता है सेल कल्चर में, और उसके इनिशियल कैरेक्टराइजेशन वायरल एजेंट्स रिकवर कर सकते हैं कल्चर में कि भाई ये एग्जैक्टली कैसा है। लेकिन इस टेस्ट को नहीं किया जाता क्योंकि इससे वायरस को ग्रो करना अपने आप में डेंजरस बात हो जाती है, वो सेफ्टी रीजंस के लिए, बायो सेफ्टी के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए हमने बता दिया। इसके अलावा ब्लड टेस्ट किए जाते हैं आपका, CBC, LFT, KFT। CBC के अंदर आपके ल्यूकोपीनिया यानी ल्यूकोसाइट कम हो जाना, या ल्यूकोसाइटोसिस दूसरे ल्यूकोसाइट बढ़ जाना, लिम्फोपीनिया लिम्फोसाइट्स कम हो जाना, ये अर्ली केसेस में अलग अलग फाइंडिंग है। इसके अलावा टेस्ट होता है फेरेटिन लेवल्स, सीरम फेरेटिन लेवल्स, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस LDH, फेरेटिन लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं इसका मतलब यह है आपके अंदर बीमारी ज़्यादा है, सिवियर है, आपको ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन होगा, मरने के चांसेस या सीरियस होने के चांसेस, अस्पताल में भर्ती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये सब के अलावा आपके न्यूट्रोफेलिया, एलिवेटेड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, एलिवेटेड डी डाइमर लेवल्स, ये सारे आपके डेथ के और ARDS के रिस्क बढ़ा देते हैं। ये हुई बात। इसके अलावा जो टेस्ट है वो है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन पे भी हमारा एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आया है कि सीटी स्कैन क्या है, और इस बीमारी के लिए भी सीटी स्कैन देखा गया है कि काफ़ी अच्छे तरीके से क्लिनिकल पिक्चर क्लियर कर देता है। सीटी स्कैन COVID-19 के पेशेंट्स में निमोनिया बताता है, लंग्स के अंदर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज आ जाती हैं, कंसोलिडेशन आ जाती है। कई स्टडीज में सीटी स्कैन के अंदर दोनों जगह, लंग के राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे, लोअर लोब्स पे ओपेसिटी, पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन बाहर बाहर की तरफ आ जाती है, साथ में पानी भर जाता है, प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल थिकनिंग, लिम्फ नोड एडिनोपैथी, लिम्फ नोड बड़े बड़े हो जाते हैं। लेकिन ये प्लूरल थिकनिंग, प्लूरल इफ्यूजन, लिम्फ नोड्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी पेरिफेरल सब डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा है। सो पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन इज 80%, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी 91%, फाइन रेटिकुलर ओपेसिटीज आर सीन इन 56% एंड वेस्कुलर थिकनिंग इन 59% ऑफ केसेस। लेस कॉमनली जैसे मैंने कहा प्लूरल इफ्यूजन 4.1%, लिम्फ एडिनोपैथी 2%। सो इस तरीके से हम डायग्नोसिस बिठा सकते हैं कि पूरी पिक्चर में आप कहाँ फिट बैठ रहे हो, आपका पूरे पिक्चर में कोरोना वायरस के चांसेस कितने हैं, और उसके हिसाब से फिर आपका ट्रीटमेंट, आइसोलेशन, आपके लिए प्रिपरेशंस, आपको ऐसी जगह रखा जाता है कि नंबर एक आपसे इन्फेक्शन किसी और का ना हो, नंबर दो आपका बेस्ट टू बेस्ट केयर किया जा सके, ठीक है। तो ये हुई बातचीत इंपॉर्टेंट चीज की। उसके अलावा जो है, देर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोग्रेशन ऑफ सीटी एबनॉर्मलिटीज। नाउ व्हाट इज दिस? सीटी स्कैन में जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है प्रोग्रेशन होता रहता है। अर्ली फेज में, बीमारी के अर्ली फेज में सीटी स्कैन कुछ और आएगा, प्रोग्रेसिव फेज में कुछ और आएगा, सिवियर फेज में कुछ और आएगा, डेसिफेटेज फेज में कुछ आएगा। इसके फेजेस बना रखे हैं, याद रखिए। उसका क्या मतलब है? यहां पर मतलब ये रेकमेंड किया गया है कि हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन ओवर टाइम किया जाए। ये चाइना में फॉलो किया गया था, ये बाकी सब जगहों पे फॉलो किया जा रहा है। अर्ली फेज में पहले सिर्फ मल्टीपल स्मॉल पैची शेडोज आते हैं, इंटरस्टिशियल चेंजेस चालू होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होती है प्लूरा यानी पेरिफेरी में और ब्रोंकाई के आसपास, रैदर देन डायरेक्ट पल्मोनरी पैरेन्काइमा में। तो प्लूरा के आसपास, ब्रोंकाई के पास पास शुरू होती है अर्ली फेजेस में, ठीक है, यानी साइड साइड में, अंदर के साइड बाहर के साइड।
प्रोग्रेसिव फेजेस में जैसे जैसे सामने बढ़ता है, लेजन जो है बड़ा होता जाता है। लेजन का मतलब बीमारी की जगह, जो एरिया है जहां बीमारी है, वो बड़ा होते जाता है। वो बड़ा होके इंक्रीज होता है, इन्वॉल्व होता है, इवॉल्व होके मल्टीपल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज बन जाते हैं, जो कि एक्सरे में ग्रास के जैसे ग्राउंड ग्राउंड दिखते हैं, और इन्फिल्ट्रेट कर, अब ये इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं लंग के, दोनों लंग्स के पैरेन्काइमा में कंसोलिडेशन बन के। सिवियर फेस में क्या होता है, मैसिव मतलब ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा लंग्स भर जाएगा दोनों साइड के या एक साइड का, मैसिव पल्मोनरी कंसोलिडेशन होगा और प्लूरल इफ्यूजन रेयर है लेकिन हो सकता है 4% केसेस में। और एक केस है डेसिपेटिव केस। डेसिपेटिव केस मतलब ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी और पल्मोनरी कंसोलिडेशन जो है पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है ठीक होने पर। डेसिपेट हो जाता है मतलब ठीक हो जाती है जब पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो सीरियस होने लगे फिर ठीक हो गए, तो ऐसे में ये ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी पल्मोनरी कंसोलिडेशन एब्जॉर्ब हो जाता है कंप्लीटली और वहां जो आ जाता है उसको कहते हैं फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस यानी एक स्कार जैसा टिश्यू, एक स्कार जैसा टिश्यू, जैसा चोट लगने के बाद टाके लगने पे या वहीं कुछ करने पे वहां एक स्कार आ जाता है, नॉर्मल वाली बात नहीं रहती, लंग के अंदर भी वो डेसिपेटेड फेज में स्कार जैसा टिश्यू आ जाता है। सो ये चीज भी देखने को मिली है काफी सारे केसेस में, तो सीरियल सीटी स्कैन जरूर एडवाइज किया जाता है। इसके अलावा सबसे पहले सीटी स्कैन से पहले किया जाता है एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे जो है उसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज देखने को मिलती है कंसोलिडेशन। जब बड़े बड़े कुछ कंसोलिडेशन दिखते हैं वो 47% यानी 50% केसेस में आपको डायरेक्ट कंसोलिडेशन दिख जाता है, 33% केसेस में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी एक्सरे में ही दिख जाती है, और ज्यादातर केसेस में ये दोनों फाइंडिंग जो है लोअर जोन में होती है और बायलैटरल होती है दोनों जगह पे, और जैसे प्लूरल इफ्यूजन सीटी में अनकॉमन है, यहां भी काफी अनकॉमन पाई जाती है। और अगर माना जाए कि छाती का एक्सरे सबसे ज्यादा इफेक्टिवली कब दिखता है, तो 10 से 12 दिन जब हो जाते हैं बीमारी के ऑनसेट सिस्टम, जब आपके सिम्टम्स ऑनसेट होता है उसके 10 से 12 दिन के बाद में या दिक्कत सबसे ज़्यादा दिखती है छाती के एक्सरे में। छाती के एक्सरे में आपका पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स भी दिख सकते हैं। तो इन सारे टेस्ट के याद रखिए, इनमें से किसी भी टेस्ट में कोई भी एक टेस्ट पकड़ के हम नहीं बोल सकते हाँ ये 100% पक्का श्योर शॉट गारंटीड लिखित में ले लो वाला कोरोना वायरस है, नहीं। हमें हमेशा हमेशा पूरी की पूरी क्लिनिकल पिक्चर को देख के एक निष्कर्ष में पहुंचना होता है, डायग्नोसिस पे पहुंचना होता है कि ये जो बीमारी है ये कोरोना वायरस ही लग रहा है। पॉसिबिलिटीज यहाँ पे 3 होती हैं दोस्तों, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। नंबर 1 पॉसिबिलिटी, पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ केवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन है। नंबर 2 पॉसिबिलिटी, पेशेंट को कोरोना वायरस इन्फेक्शन है साथ में कोई और इन्फेक्शन है। ये कोई और इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस, कोई दूसरी चीज़ हो सकती है, तो ये होता है को इन्फेक्शन साथ में। तीसरी फाइंडिंग होती है कि पेशेंट को ना कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं है, कंबाइंड इन्फेक्शन नहीं है, टोटली एक अलग इन्फेक्शन है, या कोई बैक्टीरियल निमोनिया है, या ट्यूबरकुलोसिस है, या फलाना ढमकाना अलग चीज़ है, ये कोविड नहीं है। सो इस चीज़ पे डिसीजन लेने का काम है वो आपके डॉक्टर का है, आपके डॉक्टर की के जिम्मेदारी है कि वो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस, पेशेंट की प्रेजेंटेशन, ब्लड टेस्ट की फाइंडिंग, एक्सरे की फाइंडिंग, सीटी की फाइंडिंग, हिस्ट्री, उसके कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों को एक साथ देख के डिसाइड करें कि ये पेशेंट को हम क्या लेबल करें, और उसी के हिसाब से शुरू होता है उसका मैनेजमेंट। सो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे होता है डायग्नोसिस कोरोना वायरस का। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक करके शेयर करिएगा, कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।